हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज़ फूड वर्ल्ड। आज मैं वैलेंटाइन डे स्पेशल कोकोनट केक बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल लेंगे, फिर 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद 1 कप मैदा लेंगे, मैदा छना हुआ होना चाहिए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब 3 से 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट मिला देंगे, इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करते जाइएगा। दूध आपका रूम टेम्परेचर वाला ही होना चाहिए। इतना अच्छे से मिक्स करिएगा कि गुल्थियाँ ना रहें। अब इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस मिलाएंगे। फिर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। फिर से थोड़ा सा दूध मिलाएंगे, क्योंकि बैटर अभी बहुत थिक लग रहा है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बैटर को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। केक का बैटर तैयार है। केक टिन को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था। केक टिन में बटर पेपर जरूर लगा दीजिएगा। बैटर की थिकनेस बिल्कुल इसी प्रकार की होनी चाहिए। केक को 20 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे, लेकिन माइक्रोवेव को पहले आप 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिएगा। केक बनकर तैयार हो गया है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है केक का। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए स्ट्रॉबेरी क्रश से अच्छे से इसे डेकोरेट करते हैं। क्रश को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बूरा छिड़क दीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे स्पेशल कोकोनट केक बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। मैं आपको एक पीस कट करके भी दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट केक बना है और कितना स्पंजी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।